अरे बच्चों, जो कुछ मचाना था मचा लिए। अब अबू मारे। अब हम जर्नी करेंगे फिर से जैगुआर ट्रैवल्स के साथ और अब हम जाने वाले हैं रिटर्न मुंबई के लिए। कहाँ से? हैदराबाद टू मुंबई के लिए। साथ में हमारे रहने वाले हैं मुनव्वर भाई। मुनव्वर भाई, कैसा रहा आज का दिन? बहुत मस्त रहा यार। मस्त रहा? हाँ भाई, एकदम छनानो बिरयानी का है। शाह गौस हाउस, जो लकड़ी के फूल के एकदम बगल में। राइट, ये जो वीडियो है वो अपने मुनव्वर भाई के यूट्यूब चैनल पे मिलने वाली है, उनका ब्लॉग जरूर देखना। तो अब चलते हैं अंदर की तरफ। लाइट वगैरह ज़बरदस्त लगी हुई है और मोहसिन भाई भी ऑलमोस्ट रेडी है। मोहसिन भाई, दी पब्लिक मचाएंगे अभी फिर से मुंबई में। हाँ, मुंबई में तो आप निकल रहे हैं हम यहाँ से मुंबई के लिए। तो मोहसिन भाई, अभी आप बता दो, अभी आप कहाँ तक वैसे ड्राइव कर रहे हो? मैं अभी यहाँ से हैदराबाद से पिकअप करूँगा, पिकअप करके बंगले तक चलाने वाला हूँ। यहाँ से हैदराबाद पूरा सिटी बाहर निकाल रहे हैं, बाहर निकाल के 200 किलोमीटर रन आउट है। लकड़ी के पुल से निकलने का इसका टाइम है, ठीक है। बस आप जान लो, बस है अशोक लेलैंड की BS6 और इंटीरियर में एक बार आपको फिर से बस के अंदर मैं आपको ले चलता हूँ और ये देखो बस के अंदर का कुछ शॉट। ये फुल्ली एसी बस है, डबल सीट अपर लोअर, राइट साइड सिंगल है अपर लोअर में। रीडिंग लाइट वगैरह यहाँ पर दी गई है मोबाइल चार्जिंग के लिए, आजकल तो हर बस में रहते ही है। और प्लस ये जो लाइट है विंडो के ऊपर, इसका जो लुक है वो बाहर से बहुत ही ज़बरदस्त बस दिखती है। इसका जो लुक है बाहर से रात के वक्त तो बहुत कड़क लगता है, जबकि ये बस का जो ब्लैक कलर और गोल्डन का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। साथ में आपको यहाँ पर ब्लैंकेट देखने के लिए मिल जाता है, सबसे लास्ट में आपको यहाँ पर एमरजेंसी एग्जिट देखने के लिए मिल जाता है। तो चलते हैं अब बाहर की तरफ और हसन भाई भी हमारे साथ ड्राइव करने वाले हैं। हसन भाई, कैसे हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह। हसन भाई, अभी आप फिर नाइट ड्राइविंग आज फिर से? जी। क्या बात है। तो हम ऑलमोस्ट रेडी है अब यहाँ से। दोस्तों, अभी आप जानते हैं हैदराबाद और मुंबई से जो सबसे ज़्यादा जो टेंशन होता है ड्राइवर को, वो सिटी में पैसेंजर को पिकअप करना होता है। तो इस बस में जो पिकअप मैन है, क्या नाम है भाई आपका? स्नॉल है, मेरा नाम अजीत है। हैदराबाद में अपनी बस कहाँ से स्टार्ट होती है? बोर्डिंग पॉइंट रहता है अफजलगंज। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट अपना नामपली रहता है। तो टोटल 12 पॉइंट रहते हैं अपने, 12 पॉइंट से पूरों को पिकअप करना रहता है। ठीक है, तो आप वैसे फिर कैसे कांटेक्ट करते हो? कॉल करता हूँ पैसेंजर 15 मिनट बिफोर, रिपोर्ट करो बोलता हूँ। हाँ। पैसेंजर थोड़ा 5-10 मिनट लेट होते हैं तो फिर भी वो कॉपरेट कर लेते हैं। तो वैसे आप कहाँ तक पिकअप करते हो पैसेंजर को? मैं पूरा सिटी के बाहर, सिटी तक बाहर आप पूरा साथ में चलते हो पैसेंजर को पूरा? हेलो कराते हैं तो कुछ इस तरीके से सिटी से बाहर निकलते हैं। और मोहसिन भाई, कैसा हैदराबाद की सिटी से बाहर निकलना बोले तो? 1081 खुद बिग बाजार के पास आते ही वहीं से गाड़ी चला। मोहसिन भाई बोले, यार इशारा का आप समझ लो, बोल नहीं सकते कुछ। तो आज संडे तो अच्छा है कि थोड़ा कम ट्रैफिक है मोहसिन भाई? ना, ऐसा लगता है कि दिमाग के ऊपर पत्थर रख के चलना, बर्फ रख के चलना पड़ता है, इतना दिमाग क्लाउड होता है मॉर्निंग में। तो इतना बेजार, सबसे पहली बात यहाँ पे आदमी चल रहा है स्टैंडर्ड जैसा भी गाड़ी चल रही है, तो वो राइट का इंडिकेटर दे रहा है, तो आपको क्या लगता है कि राइट में जा रहा है और वो अचानक से लेफ्ट में आ रहा है,
उसकी वजह आदमी कंफ्यूज होती है। ड्राइविंग के मामले में सबसे खतम है हैदराबाद सिटी। कोई भी कहाँ से भी किधर से भी आ जाए, कोई सिस्टम ऐसा है थोड़ा भी अपने किसी को करना नहीं कर सकते। एक से एक कादिर क्या बोलते कादर पाशा, कादर पाशा लोग बोलते हैं जो अपने मोहसिन भाई यहाँ का एक डायलॉग है हैदराबाद का, कादर पाशा लोग है ना बहुत डिस्टर्ब कर रहे गाड़ी चलाने में। कोई भी कहीं से भी आ जा रहा है, इतनी बड़ी गाड़ी है उसको साइड नहीं देना, दबा देना है। तो देखते रहो आप लोग भी बाकी। फाइनली अभी हमने सिटी क्रॉस कर ली है और अधिक जी अभी आपका यहाँ पे ड्यूटी खत्म, ड्यूटी खत्म है अभी, सब पैसेंजर आपने पिकअप कर लिया है, अभी आप यहाँ से वापस उतर के पिकअप कर लिया ठीक है। चलो फिर थैंक यू बाय। आप मौसम भाई यहाँ से फ्री पिकअप पकड़ा फास्ट फास्ट। वो ओल्ड मॉडल गाड़ी थी ना, ओल्ड मॉडल है भाई। बीएस 4 है वो, सबसे ओल्ड मॉडल की कम से कम ये ब्रेकर से बीएस 2 वगैरह है। नहीं बीएस 4 की भी शादी गाड़ी है, तब पहले तो साजिश में नहीं आती ना वो वाली गाड़ी हो, उसका ये राइट था आज की आज से साजिश गाड़ी आज भी वो गाड़ी में इतना दम है कि बाहर अच्छी अच्छी गाड़ी को पानी मिला देते खाली सही तरीके से गाड़ी चलाने वाला अशोक ले ले। हाँ ज़्यादा ओल्ड गाड़ी का नंबर क्या एम वाई एम एच वगैरह नहीं डायरेक्ट एम वाई। इसको आवाज देखो घुमा। ये अपने गुजरात वाले तो कुछ
स्पीड में होगी वहाँ का जजमेंट पूरा बढ़ा हुआ है, कितना भी कट टू कट बैरिकेड लेगा बराबर कट टू कट जाएंगे। परफेक्ट। इसके तो बोलते हैं अपने को काठियावाड़ी ड्राइवर। दो बजने में अभी और 10 मिनट है और डीजल फिलिंग के लिए रुके हुए हैं। कौन सी जगह है मुझे पता नहीं, आपको जगह का आइडिया नहीं है, बट ऑन टाइम है यार, एकदम ऑन टाइम, नॉन स्टॉप 80 तो 80, नो 79 नो 81 नो 81 नो 79 80 और अब यहाँ से निकलने का टाइम हो गया है और अभी जो ड्राइविंग सीट पे बैठे हैं वो है हसन भाई। अब यहाँ से ड्राइविंग करेंगे हसन भाई टिल कहाँ तक, पुणे तक। मोहसिन भाई की अब ड्राइविंग खत्म। मोहसिन भाई अभी आराम? हाँ अभी आराम, अभी पुणे तक का आराम है। सही है, अभी जाके डायरेक्ट सो ही जाने का है। अभी थोड़ा जागेंगे देखेंगे जैसा मूड। वैसे माहौल यहाँ का थोड़ा सा ठंडा है। हाँ थोड़ा ठंडा है, आप दो या चार या तीन, हाँ तीन चार दिन पहले हमें बारिश हुई थी उसकी वजह से क्लाइमेट ठंडा है। चलो टाइम हो रहा है 6:02, चलो 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 राइट चलो के बजे हैं 8:10 और हम पहुंचे हैं पुणे सिटी। हसन भाई फुल नाइट ड्राइविंग किए हैं। पहुँचे हैं हम पुणे स्टेशन। पुणे स्टेशन के बाजू में से ये बस निकलती है। और हसन भाई अभी कब तक ड्राइविंग करने वाले हो आप? 9:30 10 बजे तक ड्राइव करोगे, यानी आप पुणे से जो बाहर सिटी से बाहर निकालोगे उसके बाद ही। क्या बात है, अपने हसन भाई ने फुल नाइट ड्राइविंग किया है इस टाइम, जो वजह से कंटिन्यू अब तक सुबह के 8:30 हो रहे हैं और अब तक वो कंटिन्यू ड्राइविंग कर रहे हैं। और हमारे मोहम्मद भाई क्या हाल चाल है? सब बढ़िया बढ़िया, पैसेंजर वगैरह सब बराबर से उतर गया है? हाँ। अभी आगे कहीं है ड्रॉप? हाँ अभी है ना, शिवाय नगर है, सिटी स्टॉप से। क्या बात है, चलो तो अपना मोहम्मद भाई की भी ड्यूटी ऑन है अभी फिलहाल। दोस्तों अभी 9:30 बजे हम पुणे में होल्ड करने वाले सुबह 15-20 मिनट। मौसम भाई भी आराम करके आ गए। होटल न्यू सागर। और अभी इस होटल से अपने हसन भाई की ड्राइविंग ख़त्म होती है। हसन भाई अभी आपकी यहाँ से ड्यूटी ख़त्म, अभी आप आराम करोगे क्योंकि आपने फुल नाइट ड्राइविंग किया है। 2 बजे आपने स्टार्ट किया था ना, तो अभी 2 बजे से ले कर कंटिन्यू अभी 10 बजने वाले हैं, 10 मिनट बाकी है। कमर वगैरह आपकी टूटी है कि नहीं? नहीं, नहीं। चलो ठीक है, वैसे 35 कितना 25 का लेके गया एक्सपीरियंस ना, 25 साल हो गए वैसे ड्राइविंग लाइन में हसन भाई को। तो अब यहाँ से अब चलाएँगे मोहसिन भाई, तो जल्दी जल्दी पहुँचते हैं मुंबई, देखते हैं कितने बजे तक पहुँचते हैं।
दोस्तों अभी होटल से निकलने का टाइम हो गया है, अब डायरेक्ट एक्सप्रेस वे पर मौसम भाई की ड्राइविंग हम देखने वाले हैं। अभी मैं आया हूँ बेस्ट एक्सप्रेस में थोड़ा सा बाहर से शूट करने के लिए, और ये है भारत बेंज की गाड़ी जिसके मैं उनको थैंक यू कहना चाहूँगा। क्या नाम है सर आपका? शेखर शाह। शेखर शाह, तो थैंक यू सो मच, आपकी वजह से हमको शूट करने का मौका मिला। तो ये भी हैदराबाद मुंबई के लिए? हैदराबाद मुंबई डेली सर्विस। डेली सर्विस, क्या बात है। तो अभी कुछ हम जयगोर ट्रेवल्स का ओवरटेक देखेंगे। तो अब यहाँ से खंडाला घाट स्टार्ट होता है ना? Yes. बस में सिर्फ विंग्स लगाने की ज़रूरत थी, बस में अगर विंग्स लग जाते और 100 पे लोगे थे ना, तो यहाँ से टेक ऑफ करते और नीचे आके डायरेक्ट लैंड करते। हाँ,
ठीक तो मोहम्मद भाई कंडक्टर में कुछ बोलना चाहोगे आप? इनको बैंड्रा जाना है। अरे कुछ बोल दो। हाँ जाएंगे भाई, हाँ बैंड्रा जाएगी। तो मोहसिन भाई आपका कुछ कहना है? मैं तो ये कहना चाहूँगा भाई, जितने भी सब्सक्राइबर है और हमारे फैन लोग हैं, वीडियो अच्छी तरह से देखिए, स्किप मत कीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर और भाई को फॉलो करना मत। और खास कर जो इंस्टा पे वीडियो आने वाली है, हाँ बहुत ज़बरदस्त आने वाली है, ज़बरदस्त आने वाली है, तो आप लोग देखिए और सत्यन भाई को सपोर्ट करें, मनु भाई को सपोर्ट करें, लास्ट में गरीब को जरूर सपोर्ट करें। तो चलो अब इस व्लॉग को करते हैं इधर ही ख़त्म। अगर आपको जर्नी करना हो तो आप जैगुआर में आ सकते हो मोहसिन भाई के साथ। चलो नेक्स्ट मिलते हैं अभी नेक्स्ट व्लॉग में।